हाँ बर्फ गिरी है यहाँ, बर्फ है भाई वो। तो भाई यहाँ आके ना हमारा ना पेट्रोल एकदम निल हो चुका है, बिल्कुल पूरा निल हो चुका है और पेट्रोल फिलिंग चल रही है यहाँ पर। दो बोतल हम और बंदर यहाँ पर से एक प्रसाद लेके चले गया है। और भाई सबसे तक तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं आपको अभी नीचे का व्यू दिखाता हूँ, कितना सही आ रहा है नीचे। भैया पूरे बादल ही बादल, कोहरा कोहरा लग रखा है और पहाड़ों में तो भाई साहब कुछ भी नहीं, बिल्कुल कोहरा वोहरा नहीं लग रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ, हम निकल गए थे 7 बजे निकल गए थे, तो अभी आप पहले वो देख के आइए, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी हम गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हम ओ टू ब्यूटीज। अभी हमारे एक दोस्त आ रहा है तो उसका वेट कर रहे हैं, फिर यहाँ से पेट्रोल भराएंगे, यहाँ से भराते हैं पेट्रोल फिर निकलते हैं। भाई लेट हो गया, तो अभी चलते हैं, पहले जाना भी नहीं हुआ ठीक से, तो अभी आगे जाके बताऊंगा कहीं पर रुक के बढ़िया। तो अभी हम आ चुके हैं भीमताल वाली रोड में और तो आज हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम। और हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम, तो 115 किलोमीटर है, तो देखते हैं कितने, मतलब वैसे तो अप्रोक्स बता रहा कि 3 घंटे या 3.5 घंटे लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं भीमताल में, एंटर हो चुके हैं। ताल की ऐसी हवा हवा, मंद मंद ठंड ठंडी हवा ऐसी लग रही ना हाथों में मुंह में जहर। दोस्तों यार अभी हम यहाँ पर रुक रहे हैं ना और यहाँ से एक तगड़ा व्यू मिल गया है ना भाई साहब, यहीं पर ही व्यू के लिए रुके हैं। हमें यहाँ से पंचाचोली की चोटियां दिख रही है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखना ये सामने देख रहे हो आप। हेलमेट उतार दो देन। भाई साहब क्या ही दिख रहे हैं यार, अभी तो हम धाना चुली में, अभी हमें ऊपर थोड़ा और ऊपर जाएंगे। भाई ब्लॉगर ब्लॉगर बनने स्टार्ट हो गए हैं ये। भाई साहब क्या ही व्यू आ रहा है यार, टीचर आ रखे हैं, ये बीए पास है, बीए फेल है मतलब। तो अभी हम आ चुके हैं पहाड़ पानी पे और इससे पहले आपने देखा था वो क्या बोलते हैं पंचाचोली के पहाड़, वो इतना ठंडा हो रहा है ना हाथ सुन्न पड़ गए। फिर थोड़ा चाय वाय का ब्रेक ले रखा क्योंकि यार 7 बजे हम निकल गए थे घर से, अंधेरा हो रहा था उस समय। फिर जल्दी जल्दी हमने डिस्टेंस कवर किया और अभी यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर और है। तो अभी थोड़ा चाय वाय पीते हैं फिर निकलते हैं, 2 घंटे लगेंगे अभी हमें यहाँ से। तो भाई चाय आ गई, चाय 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 दो चाय दो यार, लौंडे चाय लेके आ जाओ चाय के साथ ये व्यू। भाई सामने देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार पंचाचोली का, जो नैनीताल से जितने नैनीताल से तो बड़े दूर दिखते हैं ना, आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा, बट जो यहाँ से तो और नजदीक दिख रहा है, जाना है वहां पर, जाना है पंचाचोली, एटलीस्ट पास से तो देखना ही है यार, क्या प्यारे लग रहे यार। तो वन अनदर शॉर्ट ब्रेक, उसके लिए हेलमेट नहीं निकाला है, डोल आश्रम है और देख लो भाई साहब क्या ही मजा आ गया। और ब्रेक ले रखा है यार, अब यहाँ से 4 किलोमीटर है जागेश्वर धाम। और ये गाने FM में चल रहे हैं मस्त एकदम। जागेश्वर धाम 5 किलोमीटर, 7 वाला आगे पहुंच गया और अभी टाइम हो गया है 11:16, 3 घंटे पूरे टोटल हमें 3 घंटे हो गए हैं, बट दो रास्ते हैं, जैसे कि
एक है अल्मोड़ा का रास्ता, एक है ये पदमपुरी वाला रास्ता, भीमताल के रास्ते फिर पदमपुरी फिर धानाचूली ऐसे करके। तो अभी हम सामने से आए थे और आप यहाँ से भी आ सकते हो, ये अल्मोड़ा का रास्ता है, पर हम सामने से आए थे और यहाँ से है जागेश्वर का अंदर को जाने का यहाँ से, तो हम यहाँ से अंदर को चलते हैं। ठंडा हो रहा है ना भाई, ठंडा बड़ा फिर। देखो वाइट हिरन, सफेद हिरन देखो सामने, सफेद सामने। बर्फ गिरी है यहाँ, बर्फ है भाई वो। ओ तो हम पार्क करेंगे गाड़ी यहाँ पर और यहाँ से जाएंगे पैदल, लेट्स गो। तो भाई यहाँ आके ना हमारा ना पेट्रोल एकदम निल हो चुका है, बिल्कुल पूरा निल हो चुका है और पेट्रोल फिलिंग चल रही है यहाँ पर। दो बोतल हम यहाँ भरा जा रहा है और दूसरा दिखाता हूँ मैं और दूसरी बोतल यहाँ भरी जा रही है पेट्रोल की, देखते हैं। 20 रुपए का पेट्रोल बर्बाद करके रख दिया बिल्कुल पूरी तरीके से। बंदरों की लड़ाई हो रही है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है उनके इलाके में कोई और आ गया है। तो गया, तू भी तो आया है। उनके इलाके में हम आ चुके हैं और सामने है मंदिर, अभी यहाँ से पैदल जाना है। जय हो। तो अभी हम जागेश्वर धाम मंदिर में पहुंच चुके हैं और जैसे कि बंदर यहाँ पर से एक प्रसाद लेके चले गया है। और भाई सबसे तक जब हम आ रहे थे ना तो वहाँ पर कहीं पर बर्फ नहीं गिरी थी, बस इसी जगह पे बर्फ गिर रही है, मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत गिर रही बट हो रहा है। और हम ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, तो हम घर से निकले थे 7 बजे और हम यहाँ पहुँचे 12 बजे भाई साहब। खाना में खाना खाएंगे फिर वापसी अल्मोड़ा के रास्ते। भाई लोगों का फोटो सेशन चल रहा है, बंदर भी है, एक बंदर हमारा वो ले गया, क्या ले गया, प्रसाद ले गया यार। तो अब हम जाएंगे अल्मोड़ा के रास्ते, हम अल्मोड़ा के रास्ता दिखाएंगे आपको कि यहाँ कहाँ से। तो कुछ ऐसी है यहाँ की मार्केट, खाना चल रहा है अभी जागेश्वर से धाम से, थोड़ा पहले ही आ रहे हैं अल्मोड़ा के रास्ते तो थोड़ा लंच वंच कर रहे हैं, 1 बजे रखा है उसके बाद से अल्मोड़ा के रास्ते जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी, अब जागेश्वर से हम अल्मोड़ा वाले रास्ते जा रहे थे, यहाँ पर थोड़ा बहुत जाम मिल रखा है यार, अराउंड 15 से 20 मिनट हो गए हम ऐसे चलने में, बट अब तो क्लियर हो गया है। बट यहाँ से भी रास्ता बहुत अच्छा है यार आने का, अल्मोड़ा 17 किलोमीटर है, हल्द्वानी 90 किलोमीटर है, तो देखते हैं हम। So right now we are in Almora and this is the view of Almora. तो अभी यहाँ पर थोड़ा वो चल रहा है अल्मोड़ा से नीचे वाली रोड में, पहाड़ टूट रहा है, नीचे से भी जाम लग रहा है ऊपर से भी जाम लग रहा है। कितना टाइम हो गया, 5 मिनट ही हो रहे हैं।